कवियों के कवि कहे जाने वाले शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 3 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। शिक्षा दीक्षा मुख्यतः देहरादून और इलाहाबाद में हुई। कवि, गद्यकार और चित्रकार, पत्रकार के रूप में शमशेर का जीवन और कृतित्व न केवल कलाओं के बीच की दूरी को पाड़ता है बल्कि भाषाओं की दूरी को भी कम करता है। यह शमशेर का शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हम उनके जीवन और उनके साहित्यिक अवदान के विभिन्न पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। प्रोफेसर शर्मा, आपसे जानना चाहती हूँ कि यह वर्ष 4 प्रमुख कवियों का शताब्दी वर्ष है जिनमें से शमशेर भी एक हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि शमशेर उन कवियों से किस तरह अलग हैं और किस तरह उन कवियों से जुड़ते भी हैं। चंद्रा जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये शताब्दी वर्ष है और जो जिन कवियों का शताब्दी वर्ष है उसमें शमशेर तो हैं ही, अज्ञे भी हैं, और दोनों को हम इस तरह से जोड़ के देखते हैं कि अज्ञे जी ने तार सप्तक प्रकाशित किया और दूसरा जब सप्तक प्रकाशित हुआ उसमें शमशेर को उन्होंने रखा, और सौभाग्य से दोनों ही कवियों का शताब्दी वर्ष है। अज्ञे जी ने कवि के रूप में शमशेर में जो प्रतिभा देखी उसके आधार पर उनकी कविताएं उन्होंने ली, और बाद में रूपम्बरा में भी उनकी कविताएं प्रकाशित की। और आपको मालूम है कि शमशेर तार सप्तक में लिए गए पर उनको जितनी ख्याति मिलनी थी कवि के रूप में वो सालों तक नहीं मिली, और शताब्दी वर्ष में याद किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पर हमारे NCERT ने उनको पाठ्य पुस्तकों में उनकी कविताएँ रखी, और उसमें उषा नाम की कविता हमने पाठ्यपुस्तक में रखी थी जो अभी भी पाठ्यपुस्तकों में है। तो कवियों के कवि कहे जाने वाले जो शमशेर हैं वास्तव में एक बड़े कवि हैं और दूसरा सप्तक के कवि हैं, तो निश्चित रूप से उनमें कुछ रहा होगा। उनकी कविताओं की जो अंतर्वस्तु है वो बहुत व्यापक है, उसका कैनवास जो है बहुत व्यापक है, और मैं समझता हूँ कि कविता में जो नहीं लिख पाए उन्होंने चित्रों के द्वारा रखा, गद्य साहित्य के द्वारा रखा। तो कुल मिलाकर के बहुत हर्ष का विषय है कि पूरे भारत में शताब्दी वर्ष के रूप में उनका जन्म। सुरेश जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल का शताब्दी वर्ष भी है, क्या शमशेर का उनसे भी कुछ संबंध है? निश्चय ही शमशेर प्रगतिशील कविता धारा के प्रमुख कवियों में हैं, लेकिन शमशेर प्रगतिशील कवियों की तरह स्टेटमेंट के कवि नहीं हैं, वक्तव्यों के कवि नहीं हैं। आप देखेंगे कि बाबा नागार्जुन की कविताओं में वक्तव्य आता है, वक्तव्य कोई सीमा नहीं है कविता की, वो काव्यात्मक जो ढांचा है उसमें ही आता है। केदारनाथ अग्रवाल में अधिक वक्तव्य है, लेकिन शमशेर एक तरफ तो प्रगतिशील कवियों का ये जो यथार्थवादी विषय वस्तु से संबंध है वो अपनी कविता में रखते हैं, दूसरी तरफ जो उसका उनका फॉर्म है उस फॉर्म को वो उस शैली में न देकर जो नई कविता उनके समानांतर चल रही थी उस नई कविता के फॉर्म को अपनाते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि विषय वस्तु और फॉर्म की के झगड़े को मैं यहाँ नहीं रखना चाहता, लेकिन इन दोनों कवियों से अगर प्रगतिशील प्रगतिवादी कविता का एक चेहरा अगर आप सामने लाएंगे तो शमशेर उसके जो ऐन्द्रिक पक्ष है, जो कविता का जो गहराई है उसको शमशेर पूरा करते हैं, और जो नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल हैं वो जो बाहरी दुनिया है, जो बाहरी दुनिया का यथार्थ है और वो जो चेहरा है उसको दिखाते हैं। आपने प्रोफेसर साहब अभी शमशेर की कविताओं की पुस्तक संपादित की है हाल ही में, और आपने उसमें शमशेर को अद्वितीय कवि कहा है और शमशेर की शमशेरियत के बारे में भी बात की है, तो वह शमशेरियत क्या है जरा हम वह जानना चाहेंगे। मैंने उनकी कविताओं का एक चयन किया है नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए जो अभी अभी प्रकाशित हुआ है। ये चंद्रा जी, आपने ये पूछा है कि वो शमशेरियत क्या है या उन्हें मैंने अद्वितीय कवि कहा है वो क्या है। असल में ये शमशेरियत जब कहा जाता है तो आप ध्यान दें कि यह पद या इस जैसा पद दूसरे किसी कवि के साथ नहीं लगता। सुरेश जी, हम नागार्जुनियत नहीं कहते हैं, हम अज्ञेय के साथ ऐसा कोई
पद इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम केदारनाथ अग्रवाल के साथ नहीं करते हैं, हम निराला के साथ ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन शमशेर के लिए ये चलता है शमशेरियत। ये शमशेरियत शमशेर को एक विशेष दर्जा देती है। शमशेर को अगर मैं शमशेरियत से अलग कह रहा हूँ कि वो एक अद्वितीय कवि हैं, तो इस अर्थ में मैं कह रहा हूँ कि शमशेर में आप देखें कि प्रगतिशीलता, सामाजिक चेतना, यथार्थ चेतना और सौंदर्य चेतना, ये प्रारंभ से ही, यानी 1935-36 से जब उनका रचना समय शुरू होता है, तब से लेकर और अंत तक ये दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई विभाजक रेखा नहीं है। गैर प्रगतिशील आलोचकों ने, जैसे विजय देव नारायण शाही ने, उन्हें सौंदर्य का कवि कहा है और विशुद्ध सौंदर्य का कवि कहा है, और कहा है कि उनकी सामाजिक चेतना, उनकी प्रगतिशील चेतना तो हाशिए पर है। ऐसा है नहीं, ये दोनों ही उनके कवि व्यक्तित्व के अभिन्न हिस्से हैं। तो एक तो ऐसा कवि जो अपनी सौंदर्य चेतना में भी बेजोड़ हो और अपनी समाज चेतना में भी बेजोड़ हो, जैसा कि सुरेश शर्मा जी ने बताया कि उनके यहाँ सीधा नारा नहीं है, सामाजिक चेतना है, राजनीतिक चेतना है, लेकिन वो सीधे नारे के रूप में नहीं है, वो भी एक कला के रूप में ढल करके और कला बन करके, और शमशेर का ध्यान कला पर और शिल्प पक्ष पर तो रहता ही था, उन्होंने बार बार कहा भी है। दूसरी बात यह है कि शमशेर जिस सौंदर्य चेतना के कवि हैं उसमें प्रकृति है, और प्रकृति के साथ स्त्री देह भी है, और आधुनिक हिंदी कविता में स्त्री देह के सौंदर्य के, मांसल प्रेम के बेजोड़ कवि हैं शमशेर। शमशेर ने कुछ चित्र भी बनाए हैं, हाँ। तो उनका चित्रकार रूप हम उनकी प्रकृति और प्रेम संबंधी कविताओं में देख सकते हैं। इसमें गोपेश्वर जी होता है, शमशेर जी की जो रचना प्रक्रिया है, हाँ। उन्होंने एक अपना लेख है उनका कि मैं कैसे हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी में आया, हाँ। उसमें उन्होंने विस्तार से लिखा है कि मैं तो चित्रकार था, हाँ। और दिल्ली आ गया था वकील बंधुओं के स्कूल में पढ़ने के लिए, तो उन दिनों मेरे अंदर कला जो पैदा होती है, किसी भी चीज़ के प्रति जो मैं संवेदनशील होता हूँ, तो व्यक्त करने में सबसे पहले मुझे इमेजेस में सोचता हूँ, क्योंकि मैं चित्रकार हूँ, मैं बिंबों में सोचता हूँ, मुझे लोगों के चेहरे में उनकी कहानी देखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उन दिनों क्या करता था अपने युवा दिनों में, कि बाहर निकल जाता था कनॉट प्लेस में और तमाम जगहों में, और लोगों के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता था, रेखांकन करता था। तो मेरी जो आदत है वो बिंबों से विषय वस्तु में जाने की है। तो इसलिए शमशेर को समझने की जो कुंजी है वो ये है कि उनके वो इमेज से विषय वस्तु की तरफ जाते हैं, जबकि दूसरे कवि जो विषय वस्तु है उसको बिंबों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो ये जो शमशेर का उल्टा रास्ता है, इस तरह से हम समझने की कोशिश करें। और शमशेर इसमें एक बड़ा काम करते हैं, वो ऐसा इस तरह के कवि हैं, तो शमशेर को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, शमशेर या जो नई पीढ़ी है, जो छात्र हैं, उनको क्यों पढ़ना चाहिए। उनको जटिल कवि कहा जाता है, लेकिन उनकी जटिलता को इस तरह नहीं देखना चाहिए। शमशेर हमें दृश्यों को एहसास करना सिखाते हैं। आप सुबह का आकाश इसको देखते हैं, लेकिन शमशेर की कविता के माध्यम से अगर आप देखते हैं, तो वह आकाश का एहसास जो है आपको, वो बिल्कुल बहुत रचनात्मक और बहुत गहरे होता है। हाँ, हमारे वो आकाश कहीं और ले जाता है। उषा कविता पाठ्यक्रम में, हाँ, भी है, जिसकी चर्चा आप कर, हाँ, रहे हैं। ये उषा कविता आपने बहुत अच्छी याद दिलाई चंद्रा जी। मैं चाहता हूँ कि इस उषा को जरा एक बार हम देखें। ये सचमुच प्रकृति का ऐसा अनोखा सौंदर्य रचते हैं, और ऐसे बिंब जो इसके पहले हिंदी कविता में नहीं है, और आज भी। तो ये जैसे खुलता है कि प्रात नभथा बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि एक इमेज बनाते हैं शमशेर,
अब ये भोर का जो है कई कई रूपों में, एक तो नीला शंख जैसे, अब शंख नीला होता नहीं है, ये शमशेर का अपना अपनी कल्पना है, इंद्रिकता है, हाँ इंद्रिकता है कि वो नीले शंख के रूप में देखते हैं, जबकि यहाँ किसी को कठिनाई लग सकती है। असल में शमशेर को जो दुरूह कवि कहा जाता है इस कारण कहा जाता है कि लोगों के दिमाग में पहला सवाल ये उठता है कि भाई शंख तो सफ़ेद होता है और शमशेर ने नीला कहा है, जबकि इसके पीछे जो कल्पना है शमशेर की वो इसके आगे की है, आगे की है कि वो शंख को नीले रंग में देखते हैं और प्रभात को उस रूप में, पूरे आकाश को शंख के रूप में देखते हैं और नीले शंख के रूप में, नीले शंख के एक बिंब बनाते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, ये वही मान चलता है, ये मान चर्चा की। तो ये प्रकृति वर्णन से कैसे वो नारी सौंदर्य की ओर या नारी सौंदर्य के जरिए वो प्रकृति के सौंदर्य को एक तरह से प्रकृति को जीवित बनाते हैं। आप ये देखेंगे कि जो छायावादियों की का प्रकृति प्रेम है और उनका जो मानवीयकरण है, प्रकृति का मानवीयकरण हम लोग बहुत पढ़ते पढ़ाते हैं, ये उस मानवीयकरण से अलग है सुरेश जी। ये बिल्कुल ही एक अलग किस्म का इमेज है। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शमशेर की जो काव्य दृष्टि है वो बहुत पैनी, बहुत तीखी और बहुत आक्रामक भी है। प्रकृति के अनोखे सौंदर्य को हमारे सामने कवि रख रहा है और वो एक क्या कहता है, वो एक जादू की तरह उसे दिखाई देता है, इसीलिए अंत में कहता है कि और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, यानी सूर्योदय हुआ तो सब साफ हो गया, सूर्योदय अब तक हुआ नहीं था, उसमें बहुत सारी चीजें झिलमिल थी, वो थोड़ा थोड़ा झीने पर्दे के पीछे थी और उसमें कई रंग बन रहे थे, कई इमेज बन रहे थे, वो देख रहा है। तो उसमें जो सौंदर्य का निर्माण कर रहा है कबीर, जो सौंदर्य निर्मित हो रहा है, इसकी ओर हमें पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और हमारा ध्यान भी जाना चाहिए। एक चीज इस कविता में क्या है कि शमशेर की जो सूक्ष्मता है उसको देखिए कि रात खत्म हो गई है और सुबह नहीं हुई, सूर्योदय नहीं हुआ, हाँ सूर्योदय इसके बीच का समय है, वह जो एक पल है यह उसका चित्र है, उसको बांधने की उसको एहसास दिलाने की कोशिश है, उसको जीने की कोशिश है। और ये अगर प्रकृति को इतने सूक्ष्मता से जो है कवि जीने की ट्रेनिंग हमें देता है जीने की, तो शमशेर की कविता तो पूरे परिदृश्य को एहसास करने की कार्यशाला है। देखिए एक तरफ तो उषा जैसी कविता जिसके अनेक अर्थ अभी आपने किए, दूसरी तरफ चांद से थोड़ी सी गप्पे जैसी कविता है जो हमारे बच्चे छठी क्लास में भी पढ़ते हैं, वो एक भिन्न मूड की कविता है शमशेर की। मैं चाहूँगी कि इसके बारे में भी थोड़ी हम लोग चर्चा करें। चांद से थोड़ी सी गपें, इसमें आप देखेंगे कि शीर्षक के नीचे दिया हुआ है कि एक 10-11 साल की बच्ची, तो ये एक बच्ची की नजर से चांद को देखो, एक बच्ची के मन से एक बहुत ही कोमल कल्पना है कि एक सयाना आदमी बच्चा बन करके चांद को देखने की कोशिश करता है और उससे गप लड़ाने की। प्रकृति के प्रति हमारा जो एक बहुत अपनत्व भरा लगाव है उसकी बानगी है इसमें, इस शमशेर की कविता को इस अर्थ में मुझे लगता है कि देखा जाना चाहिए। सुरेश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप तो शमशेर से मिले भी हैं, तो उनका कोई रोचक संस्मरण अगर आपको कोई ध्यान में हो तो बताएं उनके व्यक्तित्व के बारे में। हम जी शमशेर जी से 1979 के आसपास जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आया था तो मॉडल टाउन में वो रहते थे और वहाँ मिलने का मौका होता था, तो उनको मैं देखता था जब भी वहाँ जाता था, तो एक तो पढ़ाई लिखाई करते रहते थे वो, तो उन्होंने जब जाना कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई क्या वहाँ पर रूसी भाषा में मेरा एडमिशन हो सकता है क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ और कब वो समय हो जाएगा और कब वो निकलेगा। तो ये उनमें जो सीखने का और वो हर वक्त हमेशा एक ना एक भाषा सीखते रहते थे वो, तो ये मैं उनको एक चीज़ तो वो देखता था। दूसरे शमशेर जी खो जाते थे एकदम, कहीं भी आप उनको उनसे बात कर रहे हैं तो वो खो जाते थे, कोई अगर उदाहरण दे रहे हैं पुराने दिनों की तो उसमें वो खो जाते थे, समय का ख्याल नहीं रहता था। तो इस तरह शमशेर जी में एक 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 बच्चों जैसा उत्सुकता का भाव था और वो हमेशा इन चीज़ों को,
और ख़ासकर हम लोगों से वो कहते थे कि उर्दू कवियों को पढ़ा जाना चाहिए। उन दिनों फैज़ अहमद फैज़ आए हुए थे दिल्ली, फैज़ अहमद फैज़ के संग्रह का संपादन वो कर रहे थे जो छपा भी है, तो वो कह रहे थे कि हर हिंदी कवि को उर्दू कवियों से वाकिफ होना चाहिए, और इस तरह की बातें वो करते थे। लेकिन मैं तुम्हारी चोटें होनी है अपना सीना होना है के माध्यम से फिर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, लेकर नारा कौन पुकारा। शमशेर, आप देखें कि 1940 से 1937 से मजदूरों पर, जुलूसों पर, किसी जुलूस में शहीद हो चुके व्यक्ति पर समाज को और पार्टी को अपना जीवन दे देने वाले किसी कामरेड पर, ऐसे बहुत सारे लोगों पर कविताएं रचते हैं, और उनकी उनकी काव्य जीवन का, उनके कवि जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज से जुड़ा हुआ है। सौंदर्य, प्रेम और प्रकृति, ये पक्ष है उनका, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो सामाजिक चेतना के भी बड़े कवि हैं। और ये दोनों चीज़ें, जैसा कि मैंने शुरू के अपने वक्तव्य में कहा कि उनकी सौंदर्य चेतना और उनकी सामाजिक चेतना, ये बटी हुई नहीं है। जरा उनके गद्यकार रूप के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, वो इसलिए भी ज़रूरी है शमशेर के गद्यकार रूप को जानना, क्योंकि जिन लोगों को शमशेर की कविता अमूर्त लगती है या जिन लोगों को उनकी प्रक्रिया को न समझने के कारण लगता है कि ये क्या है, वो उनका गद्य अगर देखेंगे तो वो गद्य उनका काव्य का ही पूरक है। आप उनके गद्य को प्लाट का मोर्चा में उनकी कहानियाँ हैं, उन कहानियों में आप नई कहानी का दौर से पहले की भी कहानियाँ हैं और थोड़ा बाद की भी चीज़ें हैं, लेकिन आप पाएंगे कि वो कविता का ही विस्तार है। अच्छा। उसमें वो जो चीज़ वो कविता के फॉर्म में वो नहीं डाल पाते उसको वो अपने अपनी कहानियों में डालते हैं। बाकी सारा सिर्फ एहसास होता है दृश्यों का, उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का जो शब्द चित्र बनाते हैं वो उसका। तो वो एक गद्य का, शमशेर का जो रूप है, एक तो कहानियों के रूप में है, दूसरा शमशेर जी ने डायरियाँ लिखी हैं बहुत ज़्यादा, और उस उन डायरियों में तो वो लगता है जैसे कि जो कविता वो लिखने वाले हैं उसकी वो होमवर्क है। शमशेर के उस डायरी में फिर वही फीलिंग है। मैं उसे कहता हूँ कि वो मानसिक दिनचर्या है शमशेर की, कि वो जो कला और अपने बारे में और अपने समय के बारे में जो सोचते विचारते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आई हैं। तो और एक और चीज़ है शमशेर जी की, कुछ चीज़ें अभी इकट्ठी नहीं हुई है, जैसे कि वो जिन जिन दिन जिन समयों में उन्होंने जो संपादन किया है, कुछ लोग रूपाब में वो संपादक रहे, सहयोग किया पंत जी को, या बाद में नौकरी के लिए और उसके लिए माया में उनको काम करना पड़ा लंबे समय तक, उसमें उन्होंने टिप्पणियाँ लिखी हैं। वो मैं देखता रहा कि कुछ जो लोग शमशेर पर काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि उन जगहों से जो उनकी चीज़ें हैं उसको, कई जगह कोई चीज़ बिना नाम के भी है, लेकिन शमशेर की चीज़ों को बिना नाम के उतना ही आसानी से पहचाना जा सकता है जितना कि उनके नाम से पहचाना जा सकता है। तो वो गद्य का जो रूप है शमशेर जी का, वो एक खास तरह का रूप है जो संवेदनात्मक गद्य है, वो विवरणात्मक गद्य नहीं है। उस संवेदनात्मक गद्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक शमशेर हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं अंत में ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि शमशेर की कौन सी कविताएं हमारे किशोर दर्शक जिन्हें पढ़ सकें, वैसी कविताओं के नाम हम कुछ जानना चाहेंगे। शमशेर की बहुत सी कविताएं हैं जिन्हें हम चाहेंगे कि विद्यार्थी हाँ पढ़ें, और मैं चाहूँगा कि एक तो उनकी कविता है निराला के प्रति, इसमें एक तरह से काव्य गुरु हैं निराला शमशेर के, तो इसे देखा जाना चाहिए। उनकी एक कविता है फिर वह एक हिलोर उठी, लेकर सीधा नारा जीवन की कमान, बात बोलेगी अमन का राग, गजानन माधव मुक्तिबोध। भुवनेश्वर पर उनकी एक कविता है, नागार्जुन पर एक कविता है। उसी पर मुझे याद आया, टूटी हुई बिखरी हुई पर रघुवीर सहाय ने बहुत अच्छा लेख लिखा था। रघुवीर सहाय ने ये कहा है कि मुझे शमशेर ने प्रेम करना सिखाया, यानी टूटी हुई बिखरी हुई में जो प्यार का एहसास है,
किसी के भीतर प्यार कैसे पनपता है, प्यार को किसी के भीतर उसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं, यह दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है, ये पहली बार शमशेर जी की उस कविता को पढ़कर मैंने महसूस किया और उसने मुझे बदला, उसने मुझे एक नया संस्कार दिया। तो ये रघुवीर सहाय जैसे कवि, और खुद वो प्रेम कविता भी उन्होंने लिखी है और बहुत बड़े कवि हैं वो। शमशेर ने तो कहा है तुम मुझसे ऐसे प्रेम करो जैसे मछलियां सागर से करती हैं, हाँ। वे उसमें फंसने नहीं आते हैं। यानी उनके लिए जीवन और प्रेम एकाकार है, यही उनके प्रेम का लोकतंत्र है, उनके प्रेम का लोकतंत्र है। आप लोग स्टूडियो में आए और शमशेर पर बहुत उत्तेजक चर्चा हम लोगों ने की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद चंद्रा जी, आपने हमें आमंत्रित किया है और शमशेर पर कुछ पल जीने का हमें मौका दिया, हम सब इकट्ठे हुए, इसलिए हम भी आपके आभारी हैं और आपके संस्थान के आभारी हैं कि हमें ये मौका मिला। धन्यवाद। धन्यवाद।